हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज भैया, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अगेन वोकैब की। वोकैब की अगर हम बात करते हैं तो वोकैब में हमारा हम टॉप 10 इडियम्स की बात करने वाले हैं, वो इडियम्स जिनका यूज हम लाइफ में करते हैं, लैंग्वेज में करते हैं, कई बार वो एग्जाम्स में भी आते हैं, यानी कि एग्जाम्स और लैंग्वेज दोनों के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है, और उनका लहजा क्या है, उनको यूज करने का तरीका क्या है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन के साथ वीडियो मिलेगा। एंड अब हम बात करते हैं वीडियोस का, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला idioms की बात करने वाले हैं वो है out of order। and out of order की बात करें तो बड़ा common सा है, जिसका मतलब होता है खराब हो जाना। कई बार जब हम ATM पे जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो हम देखते हैं कि वहाँ पे board लगा हुआ है out of order, that means ATM खराब है। तो जब कोई भी equipment, right, कोई भी electronic device जब खराब हो जाती है, proper work नहीं करती है, तो उसे हम बोलते हैं out of order, right? तो मुझे बताना है ATM got out of order। तो होने के लिए हम लोग get का use करेंगे, तो get का skin form हो जाएगा got। तो मुझे बताना है ATM got out of order, राइट? और मुझे बताना है ये एटीएम तो बार बार खराब होता रहता है, तो दिस एटीएम गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर अगेन एंड अगेन, राइट? सो आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब हो जाना। तो मेरा पंखा खराब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर, टीवी खराब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर, फोन खराब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर, राइट? सो माय फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये क्या हो गया, खराब हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा आता है नेक्स्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाइन डेज वंडर। नाइन डेज वंडर की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं चार दिन की चांदनी। अब ये बड़ा समझ नहीं आया, चार दिन और इंग्लिश में नाइन डेज। सो नाइन को हम याद कर सकते हैं हमारे नौ ध्रुवों के दिन। तो नौ ध्रुवों के जो दिन होते हैं बड़े बेहतरीन होते हैं, और उस समय हम पूजा पाठ करते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं, माता रखी जाती है, हम डांस करते हैं, गाने गाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, एंड साथ में माता का आशीर्वाद भी हमें मिलता है, राइट? तो वो है नाइन डेज वंडर। पूरा साल में नाइन डेज सिर्फ एक बार आते हैं, और माता तो दो बार आते हैं, लेकिन जो मेन है वो एक ही बार आते हैं। तो हम बात हमेशा करते हैं यार वो क्या दिन हुआ करते थे, है ना, वो क्या दिन हुआ करते थे। या कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज्यादा बोस्टिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सेखी बगा रहा है, अरे यार अभी चार पैसे क्या आ गए और ये करना शुरू कर दिया, चार दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। तो हमेशा हम बोलते हैं चार दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, मतलब नाइन डेज वंडर्स। तो नाइन डेज वंडर्स को हमें ऐसे ही बोलना होता है, इसी लहजे में बोलना होता है, नाइन डेज वंडर, इट्स नाइन डेज वंडर्स, इट इज लगा कि इट्स नाइन डेज वंडर्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, पुल वन स्लैग। तो पुल वन स्लैग का मतलब हमें समझ में हो गया, एक आदमी की टांग खिंचाई करना, राइट? तो अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं, हमेशा टांग खिंचाई करते हैं। तो जब टांग खिंचाई करने की बात आती है तो हम क्या बोलने वाले हैं, पुल वन स्लैग्स, राइट? तो टांग खिंचाई करना, राइट? तो आपने भी कभी की होगी और आपकी भी किसी ने की होगी, राइट? तो टांग खिंचाई तो बोल दीजिए ही पुल्ड माय लेग्स, ही पुल्ड माय लेग। अब लेग्स नहीं करना है, लेग मतलब एक ही टांग खिंचाई होगी, दोनों खींच लेंगे तो फिर गिर जाएगा, राइट? तो इसलिए हमें क्या करना होता है, एक टांग खींचनी होती है, इसलिए पुल वंस लेग्स, राइट? या मुझे बताना है, यस्टरडे आई वेंट टू द पार्टी एंड माय फ्रेंड्स पुल्ड माय लेग, है ना, मेरे दोस्तों ने मेरी टांग खिंचाई थी, राइट? एंड आई पुल्ड अदर स्लैग्स, मतलब दूसरों की टांग खिंचाई थी, राइट? चलिए हम आगे बात करते हैं रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन की बात करें तो उसका मतलब होता है लड़कना लोटा, बेपैंदे का लोटा, जो कभी आज इधर है अपने स्वार्थ के लिए, कभी कहीं और है, कभी इधर तो कभी कहीं और, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रोलिंग स्टोन। तो मुझे बताना, माय फ्रेंड इज रोलिंग स्टोन, देयर इज माय फ्रेंड रोहित, और रोहित इज अ रोलिंग स्टोन, रोहित कैसा है, लड़कना लोटा है, उसकी बात पे कभी भरोसा मत किया करो, वो कभी इधर हो जाता है, राइट? तो ही इज अ रोलिंग स्टोन, राइट? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा टर्न द टेबल। सो टर्न द टेबल का मतलब है बाजी पलट दी। आपने देखो वो साउथ की मूवी है, एक गेम चल रहा है टेबल पे, राइट? और विलेन जीत जाता है, हीरो आता है उसे झटके से मारता है और वो पूरा घूम करके उसकी तरफ आ जाता है, तो क्या हुआ, टर्न द टेबल, यानी कि बाजी पलट गई। और बाजी पलट गई तो वो किसी भी सेंस में हो सकता है, वो जीतने के सेंस में हो सकता है, वो एग्जाम के सेंस में हो सकता है, वो किसी गेम के सेंस में हो सकता है, राइट? वो लाइफ के सेंस में भी हो सकता है। तो मुझे बताना है कि अमिताभ बच्चन टर्न द टेबल इन दैट मूवी, अमिताभ बच्चन टर्न द टेबल इन बागवान, बागवान में अमिताभ बच्चन ने पूरी बाजी पलट दी, जो उनके बच्चे खेल रहे थे उनके साथ में, उन्होंने बाजी पलट दी और आज वो खुद अमीर बन गए, राइट? सो
turn the table, मतलब बाजी को पलट देना. So he turned the table, you turned the table, we turned the table, I turned the table, and I will turn the table once in my life. मैं एक बार अपनी लाइफ में बाजी को पलट दूंगा. I will turn the table, right? So next आता है हमारा play safe. Play safe की हम बात करें तो play safe का मतलब क्या होता है? Play safe का मतलब होता है risks ना लेना, right? और मुझे बताना है always play safe, right? मैं हमेशा play safe खेलता हूँ, मतलब risks नहीं लेता, right? तो जरूरी है risks लेना? जरूरी के बावजूद दिखाना? नहीं, कोई जरूरी नहीं. तो अगर आप smart हैं, right? तो आप बड़े आसानी से अपनी चीजों को कर ले जाते हैं. That means आप play safe करते हैं, यानी किसी से आर्ग्यू नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करते, right? आप बड़े हम्बल हैं, right? और आप अपने काम को बड़े आसानी से चला पाते हैं, right? So क्या बोलेंगे? I play safe. मुझे बताना है, my uncle plays safe. मेरे अंकल रिक्स नहीं लेते हैं. So I don't take risks, ऐसा बोल सकते हैं, या I play safe, right? So मैं रिक्स नहीं लेता. Okay, next आता slip of tongue. जवान फिसल गई. So कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े लोग हैं और सीरियल्स में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, है ना, और वो से मना करते हैं, बोलना नहीं बोलना नहीं, और वो उसकी जवान से निकल जाता है. जवान से निकल जाता है तो वो क्या होता है? वो बोल जाता है. तो उसे स्लिप ऑफ टंग. तो स्लिप ऑफ टंग मतलब मेरी जवान से फिसल गया, राइट? सो मैं बोलना नहीं चाहता था, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक, बट आई स्लिप्ड ऑफ माई टंग, मेरी जवान फिसल गया, राइट? चलिए आगे हम बात करते हैं. तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब है सीधा सीधा, स्पष्ट, क्लियर, राइट? सो कई बार इसे शूट के फॉर्म में भी यूज करते हैं. पॉइंट ब्लैंक पे रखा हुआ है, सीन जल्दी जल्दी बताओ, है ना. तो मुझे बताना है, आई आंसर्ड पॉइंट ब्लैंक, मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया, है ना. सो He asked me a question and he tried to confuse me and I answered point blank. मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया, right? So इस तरह से हम use कर सकते हैं. Next आता है हमारा square meal. Square मतलब चौकोर, चारों तरफ से एक सा. Meal मतलब भोजन, एक ऐसा खाना जो आपकी पूरी भूख को मिटा दे, आपके liver के हर हिस्से में चला जाए, आपके पेट के हर हिस्से में चला जाए, right? आपका पूरा belly को fill कर दे, यानी आपको भूख ना लगे, वो क्या कहलाएगा? आपका स्क्वायर मील. सो मुझे बताना है, लॉकडाउन के टाइम में इतने सारे हजारों लोग हैं जो अपने घर से बेघर हो रखे हैं, जो रास्ते में हैं, राइट? उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, राइट? सो ऐसे में कुछ लोग आए, कुछ वेलफेयर लोग आए, लाइक सोनू सूद. वी ऑल नो ही इज अ बॉलीवुड एक्टर. सो सोनू सूद प्रोवाइडेड स्क्वायर मील टू ऑल द पैसेंजर्स. सोनू सूद ने सभी यात्रियों को भरपेट भोजन कराया, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा? स्क्वायर मील. अगला आखिरी हमारा आता है हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड नट टू क्रैक है लोहे के चने जमाना. लोहे के चने जमाना जैसा मतलब समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई ऐसा काम जिसे शायद हम अच्छे से नहीं कर पाते, राइट? और हम बोलते हैं यार ये तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा. लोहे के चने जमाना जैसा, यानी कि ये करने में बहुत डिफिकल्ट है, इसे बच्चे नहीं कर सकते, राइट? इंग्लिश में हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी. मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए तो लोहे के चने चबाने जैसा है. सो इंग्लिश इज हार्ड टू क्रैक फॉर मी. इंग्लिश मेरे लिए लोहे के चने चबाने जैसा है. इन द सेम मैनर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नहीं होते हैं, राइट? लेकिन हम उसे करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला बोलता है भाई साहब ये आपसे नहीं होगा, राइट? सो इट इज हार्ड टू क्रैक फॉर यू. सो इट इज हार्ड टू क्रैक फॉर यू जस्ट बिकॉज ऑफ ये काम मुश्किल है, राइट? सो मुश्किल काम के लिए हम लोग बोलते हैं हार्ड टू क्रैक, राइट? सो आज की इस क्लास में हमने 10 मोस्ट इडियम्स को हमने पढ़ा है, जिसमें पहला आता है और आउट ऑफ ऑर्डर, दूसरा आता है 9 डेज वॉन्डर, तीसरा आता है पुल वंस लैग, एंड चौथा आता है अ रोलिंग स्टोन, पांचवा आता है हमारा टर्न द टेबल, छठा आता है हमारा प्ले सेफ, एंड सातवा आता है स्लिप ऑफ टंग, एंड आठवा आता है पॉइंट ब्लैंक, एंड नौवा आता है स्क्वायर मील, एंड लास्ट तो आई होप आपने ये सारे idioms को अच्छे से सुना, समझा, जाना और सीखा, right? तो आप इसे एक language में use कीजिए, language में शामिल कीजिए, and जब आप इसे language में शामिल कर लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा ना यूज करने में. एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.